दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विश्व कप के फाइनल मुकाबले में सिराज ने झंडा गाड़कर भारतीय टीम को दिलाई जबरदस्त जीत, तो फिर अपने चहेते खिलाड़ी विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा का पैर छूकर उन्होंने क्रिकेट जगत में एक अलग ही छाप छोड़ दी। उसे देखकर करोड़ों क्रिकेट फैंस बल्कि ऋतिका शर्मा न केवल हैरान थी बल्कि उन्हें सलाम करने पर मजबूर हो गईं। तो आखिर क्यों मोहम्मद सिराज ने कोहली के बाद कप्तान रोहित शर्मा के पैर छुए, उस दिल जीत लेने वाले मोमेंट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, शायद ही कोई एशिया कप का फाइनल मुकाबला इतना जल्दी भूल सकता है, क्योंकि जिस अंदाज में मोहम्मद सिराज ने अपनी घातक गेंदबाजी से श्रीलंका के 6 बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाकर फाइनल मैच को तहस नहस कर दिया, उसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। इस मुकाबले में लंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन यह फैसला उनके कप्तान का बेहद और सफल रहा। बुमराह और सिराज की कातिलाना गेंदबाजी ने लंका की टीम के 5 बल्लेबाजों को शुरुआती 5 ओवर में ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, और फिर भी सिराज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और एक के बाद एक कुल 6 विकेट उखाड़ फेंक दिए। सिराज की कातिलाना गेंदबाजी केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। और भारतीय टीम ने श्रीलंका को इस मुकाबले में केवल 50 रनों के स्कोर पर ही ऑल आउट कर दिया, जिसके जवाब में भारतीय ओपनर गिल और ईशान किशन ने अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए इस स्कोर को केवल 6 ओवरों में ही पूरा कर भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी। इस मुकाबले में भारत की जीत से ज्यादा सिराज की घातक गेंदबाजी और उनके द्वारा किया गया कारनामा विश्व भर में सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। उनका फाइनल में किया गया यह कारनामा शायद कोई इतनी आसानी से भूल पाएगा, हमें तो लगता है कि यह कई वर्षों तक याद किया जाएगा। सिराज को इस मुकाबले में उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला और जीत के बाद तो ट्रॉफी भी उनके हाथों में सौंपी गई। इसके और हर कोई जश्न मना रहा है, जिसके बाद एक दूसरे से सभी लोग खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, तब मोहम्मद सिराज ने उसी समय जाकर अपने चहेते खिलाड़ी यानी विराट कोहली के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इतना ही नहीं, उसके बाद उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा के भी पैर पर गिरकर उन्होंने आशीर्वाद लिया, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। तो वहीं उनकी पत्नी ऋतिका सजदे अभी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी, आखिर ये सिराज ने क्या किया। मगर सिराज की यह हरकत ऋतिका का दिल जीत लिया और उन्होंने उनको सलाम करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन रोहित शर्मा ने उनके सम्मान को स्वीकार किया। ये मूवमेंट मोहम्मद सिराज का सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और करोड़ों भारतीय फैंस को बेहद पसंद आ रहा है, और लोग अब मोहम्मद सिराज भारतीय क्रिकेट का रियल हीरो ने मानने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया जाना चाहिए था या फिर नहीं? नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।